तो चलो प्यारे बच्चों, इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें कहता है, ये पार्टिकल मूवी ने स्पाइरल पाथ एज शोन इन फिगर विद कांस्टेंट स्पीड। ध्यान देना, स्पीड कांस्टेंट है। अगर सर्कुलर मोशन पढ़ रहे हो और स्पीड कांस्टेंट है, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन जो बी स्क्वायर ओवर आर होता है, बी स्क्वायर ओवर आर, इसकी वैल्यू भी क्या होती है, मैग्नीट्यूड में कांस्टेंट होती है, पर वेक्टर में ये क्या होती है, वेरिएबल होती है, क्योंकि इसकी डायरेक्शन चेंज होती है भाई हमेशा, बट हमेशा सेंटर की तरफ होती है, बट अगर वो सेंटर की तरफ डायरेक्शन हमेशा चेंज होती है। तो वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, देखो कभी भी अगर स्पाइरल में चल रहा, सर्कल में चल रहा इस टाइप से, तो वेलोसिटी तो कांस्टेंट हो ही नहीं सकती यार, वेलोसिटी तो हमेशा टेंजेंशियल होती है। तो फर्स्ट ऑप्शन तो गया ख़त्म। एक्सलेशन ऑफ द पार्टिकल इज कांस्टेंट, एक्सलेशन हमेशा सेंटर की तरफ होगा। पार्टिकल के अगर ऊपर से देखोगे, तो पार्टिकल अगर यहाँ से स्टार्ट कर रहा ऐसे, तो ऐसे सर्कुलर पाथ में चल रहा है, तो ये जो सर्कुलर पाथ है, ये इसकी रेडियस आर है। टॉप व्यू अगर देखोगे, ऊपर से अगर देखोगे टॉप व्यू, तो एक सर्कल में जाता हुआ नज़र आएगा प्यारे बच्चों, ठीक है। तो कभी भी एक्सलेशन तो कांस्टेंट होता ही नहीं है, और उसकी मैग्नीट्यूड कांस्टेंट हो सकती है, मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्सलेशन इज कांस्टेंट, ठीक है। ये बात बिल्कुल सही है कि मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सलेशन कांस्टेंट है, तो सी ऑप्शन हमारा सही बन रहा है। मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्सलेशन इज डिक्रीजिंग, ठीक है। एक्सलेशन सेंटीपिटल होगा और उसकी वैल्यू बी स्क्वायर ओवर आर होगी, और जो टेंजेंशियल एक्सलेशन है, जो इधर को डायरेक्शन में लगता है, जिधर वेलोसिटी होती है, वो तो जीरो होगा। तो डी ऑप्शन भी गलत है भाई, क्यों डिक्रीज होगा, तो एक ही ऑप्शन इसमें सही बनता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।